हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम टेक 23। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हमें मशीन की टाइमिंग किस प्रकार से बांधनी है दोस्तों, और दोस्तों कैसे हम इसको ठीक करते हैं, क्या रीज़न है। दोस्तों वीडियो पर अंत तक लगे रहिए, इसको ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों मशीन की टाइमिंग है वो एक बहुत ज़रूरी होती है। अब दोस्तों टाइमिंग से क्या होता है, अगर टाइमिंग आपकी मशीन की ठीक नहीं है तो आपकी मशीन ताप भी मारेगी चलते चलते दोस्तों, या फिर कहीं दोस्तों अच्छी चाल चलते चलते दोस्तों ताप मारने लगेगी या फिर घना डाका करने लगेगी। दोस्तों ये होती है मशीन की ताप। अब मैं इसमें दिखा रहा हूँ, देखिए दोस्तों हमारी मशीन की टाइमिंग ख़राब है तो हमारी मशीन क्या दिक्कत कर रही है। दोस्तों मुझे कस्टमर ने कोई बताया था कि मशीन चलते समय लंबा डाका मार रही है, तो मैं अपने सामने देखना चाहता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, जैसा मैं सुना था वैसा ही है, मशीन लंबे लंबे धागे मार रही है और टाप मार रही है दोस्तों। तो हम इसको किस प्रकार से ठीक करेंगे और कैसे ठीक करेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री का ट्रिक है, इसमें कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा। अपने घर पे भी इतना काम आप कर सकते हैं, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, तभी दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए मैं दूसरी बारी सिलाई लगा के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इसमें भी मशीन हमारी जगह जगह ताका छोड़ रही है। ये देखिए दोस्तों लंबा लंबा टाका मार रही है ये। अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे, क्या रीज़न है इसको ठीक करने का दोस्तों, वीडियो पर अंत तक लगे रहें, इसको ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अब देखिए दोस्तों मैं आपका कीमती समय ना खराब करते हुए देखिए दोस्तों हमारी सुई जो लगी है दोस्तों, तो ये ज़्यादा नीचे है दोस्तों, इसीलिए ये लंबी टाप मार रही है। देखिए हमारी सुई की जो निडल है दोस्तों वो नीचे लगी हुई है दोस्तों। देखिए जो हमारी सरिया लगी हुई है दोस्तों, इसमें जो एक निडल लगा हुआ है तो ज़्यादा नीचे आई हुई है दोस्तों, इसीलिए शायद ये मशीन टाप मार रही है। अब हम इसको ऊपर कैसे करेंगे और कितने आकार पे इसको रोकना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। दोस्तों क्या होता है कि अगर हमारी सुई ज़्यादा नीचे चली जाती है तो भी हमारी मशीन दोस्तों टाप मारेगी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है, पहले हमें सरिया को पूरा नीचे बैठा देना है। सरिया जैसे ही हम नीचे बैठा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक स्क्रू होता है, उस स्क्रू को हमें थोड़ा ढीला करना होगा। अब दोस्तों जैसे ही हमने उस स्क्रू को ढीला कर दिया, हमारी सरिया बिल्कुल फ्री हो चुकी है। अब आप इसको किसी भी साइड में बांध सकते हैं, ऊपर कर दें या नीचे कर दें या फिर इसको घुमा सकते हैं। तो दोस्तों हमें करना क्या है, सरिया को हल्का सा ऊपर करना होगा, क्योंकि हमारी सुई नीचे है तो हम सरिया को थोड़ा ऊपर करेंगे। ये देखिए दोस्तों मैं सरिया को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ से आपको देखना है, हल्की हल्की हाथ में चुभना चाहिए, ज़्यादा नहीं चुभना चाहिए दोस्तों, उस बार में बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। अब थोड़ा मैंने ऊपर कर दिया, ऊपर करने के बाद वापस हमें उसी तरह इस वाले स्क्रू को थोड़ा टाइट कर देना है। अब दोस्तों देखिए सुई का आकार हमारा कहां पर आ गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी सुई बिल्कुल अब ठीक जगह पे आ गई है। दोस्तों पहले वाली सुई मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ़ोटो मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं सुई हमारी कितनी नीचे थी। और अब दोस्तों
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सुई को कहाँ रोका हुआ है। देखिए दोस्तों, पहले वाले में और बाद वाले में कितना फ़र्क है। अब बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों। 100% मेरी मशीन बिल्कुल ठीक हो गई होगी। और रही बात चलाने की, मैं भी आपको चला के भी दिखाता हूँ, सिलाई लगा के दिखाऊँगा। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, मिक्सर मशीन के जार दोस्तों ये अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। कोई भी आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ, मैं तुरंत आपकी मदद करूँगा दोस्तों। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सिलाई लगाई हुई है। दोस्तों आप देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल एकदम क्लियर आ रही है, इसमें कोई भी दिक्कत अब नहीं है, एकदम अच्छे से सिलाई आ रही है दोस्तों, कोई भी इसमें टाका छूटा हुआ नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आपको और एक सिलाई लगा के दिखाता हूँ। और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन पर दोस्तों प्रेस कर दें। देखिए मैं आपको एक सिलाई और लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल क्लियर आ रही है, इसमें कोई भी दिक्कत अब नहीं है। हमारी मशीन एकदम 100% ठीक हो गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।